तो हेलो गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मी डोज पर जहां पर आप सभी को साउथ हिंदी डब मूवीज़ से रिलेटेड लेटेस्ट और कंफर्म हिंदी अपडेट्स देखने को मिलती रहती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो को देख लिया होगा जहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि सरीले रूनी केवरू का हिंदी डब वर्जन टी पर आने वाला है थर्टी जुलाई को रात आठ बजे तो जिन जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वैसे भी मैंने रिलीज सेट इस वीडियो में बता दी है तो हाँ मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों को महेश बाबू का हिंदी वॉइस ओवर जिसने भी दिया है वो वॉइस पसंद नहीं आई है तो आप सभी को याद ही होगा कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि अंकुर जावेरी ने शायद हिंदी वॉइस ओवर दिया है महेश बाबू को सदीले रूनी बरू के हिंदी डब वर्जन में लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि वो अंकुर झावेरी नहीं है तो इस बार कन्फर्म हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम सामने निकल कर आ चुका है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में भी आप सभी को ढेर सारी हिंदी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी साउथ मूवीज से रिलेटेड मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज के मेरे सीटी वीडियो को तो मुझे पता है कि आप सभी को काफ़ी अजीब लग रहा होगा क्योंकि प्रोमोस में किसी और वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ है महेश बाबू के ऊपर नॉर्मली तो हम मूवीज़ में संकेत महात्र की ही आवाज़ सुनाई देती है महेश बाबू की लेकिन अगर एकदम से ही उस एक्टर की हिंदी आवाज़ चेंज कर देते हैं तो थोड़ा बहुत तो अजीब लगता ही है काफ़ी व्यूअर्स बोल रहे हैं कि अनऑफिशियल डबिंग लग रहा है इससे अच्छा तो मैं फैन डब ही देख लेता वहीं कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनको डबिंग अच्छी लग रही है वैसे हमें इस वॉइस आर्टिस्ट को भी एक चांस देना चाहिए आप सभी को ही पता है कि पुष्पा के साथ भी ये सेम ऐसा ही हुआ था जहां पर नॉर्मली अलवर्धन को मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स संकेत महात्रे ही हिंदी वॉइस ओवर देते थे और जब एकदम से ही पुष्पा में किसी और एक्टर ने आवाज़ दी तो फैंस काफी शोक हुए लेकिन जब मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने एक्चुअली उस डबिंग आर्टिस्ट की आवाज़ को काफ़ी पसंद किया था तो इसलिए इस बार भी एक चांस देकर देख लेते हैं शायद डबिंग अच्छी निकले ऐसा हो सकता है कि अगर लोगों को इस वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ अच्छी ना लगे मूवी रिलीज होने के बाद तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट्स के डबिंग डायरेक्टर शायद बाद में महारिषि में संकेत महात्रे को ही चांस दे तो अब बात करते हैं कि आखिरकार किसने हिंदी वॉइस ओवर दिया है महेश बाबू को तो गई मैं आप सभी को बता दूं कि अभिनव शुक्ला नाम के एक एक्टर एक ने हिंदी डबिंग की है महेश बाबू के लिए सरी ले रूनी में। ये शायद इससे पहले बिग बॉस में आ चुके हैं जो भी है देखते हैं थर्टी वन जुलाई को कि डबिंग कैसी है वैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डबिंग अच्छी निकलेगी कि नहीं तो गईस यहीं तक का था आज का मेरे ये वीडियो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में